अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। تزعه وين قرات القصه انه هو توفى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصه طيب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قل له يا سيدي يا رسول الله। दोस्तों, आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बेशक आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के हयात तैयबा के बारे में पढ़ते हुए, आप सलातुल सलाम की जिंदगी के वाकयात पढ़ते हुए, बच्चा खुर्शी से झूम रहा था जिस तरह के आप बच्चे को देख रहे, लेकिन जैसे ही इस बच्चे को पता चलता है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं तो ये बच्चा ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस बच्चे को देखकर, उसके रोने को देखकर अल्लाह तबारक व तआला के पहली मस्जिद मस्जिद नबवी में मौजूद लकड़ी का वो पेड़ याद आ जाता है जिसके साथ टेक लगाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते। और जब सरकार ने उस लकड़ी के पेड़ के साथ टेक लगाना बंद कर दिया और उसको मस्जिद नबवी से साइड पर कर दिया गया कि वो बहुत पुराना हो चुका है, तो वो पेड़ ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया। ये तो फिर एक इंसान है। अल्लाह तबारक व ताला इस बच्चे के दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की मोहब्बत को यूं ही सरायत करते रहने दें और इसे सरकार दो आलम के हयात तैयबा और सीरत मुबारक पर अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाएं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।